नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। झुंझुनू में सास ने अपनी बहू को अनूठा सरप्राइज दिया है। शादी के बाद पहली बार बहू घर आई तो उसे सिक्कों से तोल दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी रिश्तेदार हैरान हो गए। तराजू में रखे सिक्कों का वजन करीब 60 किलो था। इसमें रखे सिक्के मुंह दिखाई के तौर पर शगुन के लिए दिए गए। दरअसल मेहती की दाढ़ी निवासी सूबेदार हवा सिंह दाहल के बेटे मनीष की शुक्रवार को मनीष की शादी कोलिंडा निवासी गोवर्धन की बेटी पूनम से हुई। सास कविता ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि मुंह दिखाई में वे बहू को ऐसा सरप्राइज दें जिसे वो उम्र भर याद रखे। इसके लिए आईडिया आया कि बहू को बेटी बनाकर लक्ष्मी के रूप में लेकर आया जाए। ऐसे में सिक्के में तोलने का प्लान बनाया गया। इन सिक्कों का वजन करीब 60 किलो था। ये करीब 21,000 के सिक्के थे जो बहू को मुंह दिखाई के तौर पर दिए गए थे। बहू पूनम बोली कि पैसे बड़ी चीज नहीं है, जो सम्मान ससुराल में मिला इससे मैं बहुत खुश हूँ। पूनम ने बताया कि जब सिक्कों से तोला जा रहा था तब पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। ये जिंदगी का सबसे बेहतर पल था। वहीं दूल्हा मनीष दाहल सेना में है। दुल्हन पूनम गृहिणी है। दूल्हे के पिता गोवर्धन भी सेना में सूबेदार से रिटायर हुए। हवा सिंह ने बताया कि पत्नी कविता ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में सिक्कों से तोलकर नई मिसाल पेश की। इस पहल की गांव में काफी चर्चा भी हो रही है। झुंझुनू में पहले भी एक सास ने बहू को सरप्राइज गिफ्ट में कार दी थी। मामला बुवाड़ा गांव का था। जब बहू शादी के बाद पहली बार ससुराल आई तो सास ने लग्जरी कार देने का प्लान बनाया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।